कांग्रेसी लीडर शक्ति गोयल ने कहा है कि गुजरात में शुमाली हिंद के लोगों पर जो तशद्दुद हुआ था वो दरअसल बीजेपी की सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद एक दफा कहा था कि रुपये की कदर में तभी कमी होती है जब वजीर आजम कमजोर होता है, यानी आज जो रुपये की गिरावट है उससे साफ समझा जा सकता है कि मौजूदा वजीर आजम सबसे ज्यादा कमजोर वजीर आजम है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में गुजरात के वजीर आला भी मुलव्विस हैं। गुजरात में जो उत्तर भारतीयों पे हमले हुए वो भाजपा की एक सोची समझी साजिश थी और भाजपा की सोची समझी साजिश की तहत उत्तर भारतीयों पे वहाँ पे हमले करवाए गए हैं। युवाओं के पास जॉब नहीं, दूसरी ओर फेलियर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। मोदी जी का खुद उनका बयान था कि रुपया तभी कमज़ोर होता है जब प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है। आज सबसे ज़्यादा कमज़ोर रुपया माने सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्रधानमंत्री। युवाओं को रोजगार नहीं, किसान को दाम नहीं, इन सब से अटेंशन डाइवर्ट करना और गुजराती युवाओं को जो आक्रोश था वो भाजपा के खिलाफ ना जाए इसे डाइवर्ट करना था, तो खुद चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी इसमें इन्वॉल्व है, इस साजिश में। और विजय रूपाणी का बैक सीट ड्राइविंग तो अमित शाह ही करते, ये तो रबर स्टैंप है।